हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनम निषाद आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पे आपको व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी कि ये बेसिकली होता क्या है। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे इंश्योरेंस का वीडियो तो देखा ही होगा। इससे पहले मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया है अपने चैनल पे कि इंश्योरेंस क्या होता है और वो कितने तरीके के होते हैं, कैसे कराए जाते हैं, वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको उसके पार्ट यानी कि व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी कि व्हीकल इंश्योरेंस होता क्या है और इसमें कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और पास में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस फॉर ट्रक्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड अदर रोड व्हीकल्स। व्हीकल इंश्योरेंस जैसे कि ट्रक्स, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि व्हीकल्स के लिए होता है। इट्स प्राइमरी यूज इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज और बॉडली इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रैफिक कोलिजन एंड अगेंस्ट लाइबिलिटी दैट कुड ऑल्सो अराइज फ्रॉम इंसिडेंट इन अ व्हीकल। बेसिकली ये इंश्योरेंस हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज या इंजरी हो जाती है, मान लीजिए हमारे व्हीकल को किसी भी तरीके की क्षति हो जाती है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर किसी अन्य को भी बॉडली इंजरी हो जाती है, मतलब कि जैसे कि डेथ या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस तरीके के इंश्योरेंस को कवर जो करता है उसको व्हीकल इंश्योरेंस कहते हैं। मतलब जो भी इसमें हानि होगी उसकी भरपाई व्हीकल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इससे हमें अत्यधिक फ़ायदा होगा यदि हम इसको ले रखे होंगे, क्योंकि ये हमें खुद पे नहीं करना पड़ेगा, जो कि इंश्योरेंस कंपनी खुद उठाएगी। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट है हमारा कवर्स डैमेज कास्ड बाई अदर देन एन एक्सीडेंट, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा। यानी कि अन्य लोगों की द्वारा कोई डैमेज या क्षति होती है तो उसकी भी भरपाई का हमें फ़ायदा मिलता है, जैसे कि चोरी हो जाना या फिर फायर में या फिर आग या फिर किसी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के कारण यदि हमारे व्हीकल को किसी तरीके की क्षति होती है और वो दुर्घटना का शिकार होती है तो उसकी भी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिलता है, जिसका ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। सेकंड है हमारा कवर्स द बिल्स ऑफ व्हीकल रिपेयर्स ड्यू टू डैमेज कास्ट इन एन एक्सीडेंट। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे व्हीकल को खुद के द्वारा भी कोई क्षति हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है हमसे स्वयं से खुद से, तो उसमें जो भी खर्च होता है उसकी भी भरपाई पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है, हमें कुछ नहीं देना पड़ता। तो इसके लिए हमें व्हीकल इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है, वरना हमें खुद ये झेलना पड़ेगा। चलिए हम कार इंश्योरेंस का एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताते हैं। कार इंश्योरेंस कैन हेल्प ऑफसेट the loss of huge sum in the following manner: provide benefits to survivors when an accident result in death, it covers lawsuits including legal fee but against you as a result of an accident। इसका मतलब है दोस्तों, मान लीजिए यदि आपने अपने कार का इंश्योरेंस करा रखा है और आपसे अनफॉर्चुनेटली आपके कार का खुद का भी एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी थर्ड पार्टी किसी दूसरे पर्सन को भी कोई इंजरी या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो उसमें जो भी आपका लॉस हुआ होगा या फिर उस थर्ड पर्सन को लॉस हुआ होगा उसका वो सारा रिकवर, सारा उसकी भरपाई बिल पेमेंट वो व्हीकल इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो इससे आप निश्चिंत रहिए। तो यदि आप इन सारे खर्च से बचना चाहते हैं तो आप ये कार इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, ताकि भविष्य में यदि आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार उसकी सारी जिम्मेदारी व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी खुद उठाएगी।
चलिए अब समझ लेते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेजेस टू द थर्ड पार्टी बाय द इंजर्ड व्हीकल। इट कवर्स फिजिकल इंजरीज, डैमेज टू द व्हीकल, डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी एंड डेथ एक्सक्लूजन। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डज नॉट प्रोवाइड एनी कंपनसेशन इफ एक्सीडेंट वॉज कास्ट ड्यू टू ड्रंकन ड्राइविंग। मतलब साफ है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर तरीके का प्रोटेक्शन, यानी कि किसी भी तरीके का यदि डैमेज हो जाता है थर्ड पार्टी को, तो उसकी सारी भरपाई वो खुद उठाएगी। अब ये थर्ड पार्टी होता क्या है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप रास्ते में कार चला रहे हैं और अचानक से आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कार चलाने वाला आप हो गए फर्स्ट पार्टी, और यदि आपने इंश्योरेंस ले रखी है तो वो इंश्योरेंस कंपनी हो गई सेकंड पार्टी। और जिस इंसान का आपसे एक्सीडेंट हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हो गया थर्ड पार्टी। तो यदि आपने इंश्योरेंस करा रखी होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी यानी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो भी डैमेज हुआ होगा, जो भी उसको नुकसान हुआ होगा, मान लीजिए उसके व्हीकल को बुरी तरीके से क्षतिप्राप्ति हो गई होगी, बुरी तरीके से उसका व्हीकल डिस्ट्रॉय हो गया होगा, या फिर मान लीजिए कि उसका ही एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर उसकी जान भी जा सकती है, तो ऐसे केसेस में जो फर्स्ट पार्टी यानी कि जिनसे एक्सीडेंट हुआ है, वो उसका सारा खर्च ना बेयर करके इंश्योरेंस कंपनी खुद उसकी सारी डैमेज को, सारे बिल्स को वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। इंश्योरेंस कंपनी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेती है, क्योंकि वो हर मंथ या फिर ईयरली जो भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा हम प्रीमियम भरते हैं, तो उसी प्रीमियम जो हम पर मंथ हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसी से ये कंपनीज हमारा सारा खर्च उठाती है। एक्सीडेंट या फिर कोई भी डैमेज हमसे हो जाता है तो इसकी भरपाई ये इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे नॉलेज चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे चैनल पे वीडियो को देखना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट